सन तो आज देख सकते हो आप लोग, यहाँ का वेदर कितना अच्छा हो गया है। मॉर्निंग से ही काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो हम लोग आए थे कबीर को स्कूल बस में ड्रॉप करने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने परचेज़ किया डेली रूटीन का सामान, और उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड गए थे कुछ परचेज़ करने जहाँ मैं उनका वेट कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हम लोग घर वापस आ रहे थे। गाइज़ आज मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी, अभी तो थोड़ी देर को रुक गई थी, देन मैंने कबीर को स्कूल बस में ड्रॉप किया एंड देन घर आ गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग में कबीर को स्कूल बस में ड्रॉप करने के बाद हम लोग घर आ गए थे। देन मैंने सारे घर के जो भी रेगुलर काम होते हैं वो किए एंड देन अभी फ्री हुई हूँ काम वाम निपटा के। तो अभी आज देखती हूँ आज के दिन में क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ जी, मैं रेगुलर जो भी काम करती हूँ घर में वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज आई नो कि एवरीबडी इज़ डूइंग सेम थिंग। तो मुझे लगता है अगर मैं वो सेम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मे बी आप लोग बोर हो जाओगे। वैसे यू कैन सजेस्ट मी कि मुझे और क्या शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैं अकॉर्डिंगली वीडियो बनाऊँगी। तो गाइज़ मैं सोचती हूँ कि एवरी ब्लॉग शुड बी न्यू, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और तभी आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे। तो चलिए आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग जरूर देखना। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने आलू बैंगन को कट करके हल्का सा ऑयल में फ्राई करके रख लिया है और ये थोड़ा सा हाफ डन ही हुए हैं अभी। बैंगन तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, आलू में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ अनियन और ग्रीन चिली का लाइक मैंने चॉप किया था और इसे मैं मस्टर्ड ऑयल में पका रही हूँ। साथ में यहाँ टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, उसी में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं जो भी हम डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैं इसमें डालूंगी। एंड देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है। ये बहुत ही शॉर्टकट सी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपको थोड़ी बन जाए देन। और यहाँ पे देखिए प्याज ना जब ब्राउन हो जाएगी तो मैं ये टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी और ये सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज मैंने सोचा चलो फॉर अ चेंज, आलू बैंगन मैं बहुत कम बनाती हूँ तो आज ये बना लेती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने आटा भी लगा के रख लिया था तो इस आटा को 10 मिनट में छोड़ दूँगी, देन मैं इसे रख लूँगी बॉक्स में। तो दोस्तों ये था फाइनल लुक आलू बैंगन का, बिकॉज़ मैं वीडियो बनाना भूल गई इस वजह से। एंड देन हम लोग चले गए थे, थोड़ा बैंक का काम था तो कबीर के आने के बाद हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ से रिटर्न में आई थी तो कबीर को पीना था यहाँ मैंगो शेक, और मैं यहाँ से मार्केट से ही अपने लिए पूरी सब्जी पैक करा के लाई थी, बिकॉज़ अराउंड 4 o'clock हो गया था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इवनिंग में हम लोग चले गए थे कबीर के स्केट्स की क्लासेस के लिए। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे मेरा जो रूटीन होता है ना, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं होती खुद के लिए, कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। तो बस ये इवनिंग का टाइम था और कबीर स्केट्स करेगा जब तक मैं यहाँ पर बैठूँगी, थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ इसी टाइम में, और बस फिर हम लोग जाते हैं अराउंड 7 o'clock के करीब घर। दोस्तों अभी बन रहा है मेरा डिनर। तो यहाँ पक रहा है राजमा, तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा राइस। तो यहाँ पे मैं राजमा बॉईल कर रही हूँ, ऑलमोस्ट सारा डन हो चुका है। और इतनी गर्मी है ना गाइस कि मुझे ना बनाते टाइम बड़े पसीने आ रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बन रही है, ये टिंडे में फ्राई करके रख लेती हूँ आज, बिकॉज़ मॉर्निंग में मुझे हस्बैंड के लिए डिनर लंच बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए हाफ टिंडे फ्राई करके मैं रख चुकी हूँ, हाफ इसको कर लूँगी, मॉर्निंग में फटाफट से रेडी हो जाएंगे। और ये बन रहे हैं मेरे राइस। तो बस साथ साथ सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी निकाल के रखी है राजमा में डालने के लिए लास्ट में। और यहाँ पे आटा भी हाफ डन लगाया है, मींस मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही करके छोड़ देती हूँ, 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से गूंद लेती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन गूंद जाता है, अदरवाइज़ रोटियाँ अच्छे से नहीं बनती हैं, तो इसलिए मैं 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो बस ये प्रिपरे
तो दोस्तों यहाँ पे नाइट की डिनर की प्रिपरेशन तो हो ही रही थी और साथ में नेक्स्ट डे मॉर्निंग की भी प्रिपरेशन हो रही थी। मीन्स मैं डिनर के साथ साथ में ना जो भी टाइम एक्स्ट्रा मेरे पास होता है तो मैं नेक्स्ट डे की सब्जियाँ कट करके रख लेती हूँ। जैसा कि यू कैन सी यहाँ कबीर को भिंडी बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने कबीर के लिए काट ली थी भिंडी। साथ में यहाँ पे अनार के ये दाने निकाल लाना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मेरे पास इस टाइम अभी थोड़ा सा टाइम था जब तक राजमा बन रहा था तो मैंने ये अनार के दाने भी निकाल के रख लिए। तो गाइस ऐसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन पहले से कर लो ना तो नेक्स्ट डे का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और जिस दिन भी मैं पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करके रखती हूँ ना मुझे डबल टाइम लग जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट राजमा भी बन के रेडी हो गया था, और मैंने साथ में टिंडे को ना जब भी मैं बनाती हूँ तो इसको इस तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ देन मसाले में पकाती हूँ तो काफ़ी टेस्टी बनता है। और यहाँ देखिए कबीर स्केट्स करके आया था, मैंने उसके कपड़े चेंज कराए हैं एंड नाउ ही इज़ टेकिंग रेस्ट। और इसको इतनी ज़्यादा आके इतनी ज़्यादा तुरंत भूख लग जाती है ना तो मुझे बोलता है मम्मी जो कुछ भी रखा हो मुझे दे दो बस मुझे खाना है कुछ ना कुछ। तो मैंने उसे बिस्किट्स दिए थे तो यहाँ वो खा के बैठा हुआ है। तो दोस्तों अब हो गया था नाइट का टाइम, तो आज हमने डिनर में खाए थे राजमा राइस और उसके बाद हम लोग निकल गए थे वॉक करने। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे कबीर ना एक नया टॉय अपना प्ले कर रहा था बिकॉज इसके पापा आज इसके लिए एक नया टॉय लेके आए थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और उसको चलाने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हम लोग तो यहाँ वॉक कर रहे थे और साथ में कबीर अपने टॉय से इंजॉय कर रहा था। तो गाइज़ आप लोगों को बता दूँ नाइट में भी आज काफ़ी गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी तो है ही, बारिश कितनी भी हो जाती है फिर भी ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम नहीं होती एंड यू कैन सी माय फेस कितनी स्वेटिंग हो रही है। लेकिन वॉक करना भी ज़रूरी है, हम लोग कभी कभार तो आलस कर जाते हैं कि नहीं यार मत जाओ गर्मी है, बट समटाइम्स लगता है नहीं यार जाना चाहिए। जब भी कुछ हैवी डिनर कर लेते हैं ना तो मन करता है कि नहीं चलो दो चार राउंड लगा के आ जाते हैं बिकॉज़ उससे अच्छा रहता है। और दोस्तों फिर मैं घर आ गई थी, घर में आके सारी चीज़ें उठा के रखी, किचन साफ मैं ऑलरेडी पहले से करके जाती हूँ, ये हो रही थी मेरी नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन। मींस हर चीज़ मैं आपको एवरी ब्लॉग में नहीं दिखा पाती तो आज मैंने सोचा ये चीज़ भी दिखा देती हूँ। मैं डेली नाइट में बादाम साथ में किशमिश साथ में अखरोट डाल देती हूँ भिगोने, और मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो ये मॉर्निंग में मैं या कबीर ही खाते हैं, मेरे हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता है कि ये चीज़ें खा पाएँ, और समटाइम्स वो खा भी लेते हैं बट समटाइम्स टाइम ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो है सैटरडे मॉर्निंग मींस टुडे मॉर्निंग का, आज कबीर की थी पीटीएम तो हम लोग को जाना पड़ा स्कूल। तो मॉर्निंग 8:30 के अराउंड हम लोग निकल गए थे बिकॉज हम दोनों सोचते हैं ना कि दिन में जो भी काम होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग निपट जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइज़ हम लोग पहुँच गए थे फाइनली कबीर के स्कूल, और कबीर देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा नर्वस भी था क्योंकि उसकी कंप्लेंस करने वाली थी मैं उसकी क्लास टीचर को, और मौसम इतना अच्छा था ना तो इसकी वजह से प्लांट्स कितने ग्रीन लग रहे हैं यू कैन सी। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने घर वाले प्लांट्स भी दिखाऊंगी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगने लगे हैं अब, और स्पेशली बारिश के मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स, विंटर में पता नहीं इनको क्या हो जाता है अजीब से हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे थे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज कबीर के जो मार्क्स आए हैं ना PT1 में वो फुल आए हैं, मीन्स सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स आए हैं, सिर्फ हिंदी में एक मार्क रह गया है। तो एनीवेज यहाँ पे मेरे हस्बैंड हम लोग को सोसाइटी के गेट के बाहर ड्रॉप करके ऑफिस चले गए थे और हम लोग बस अंदर आ रहे थे। तो गाइस आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ये ब्यूटीफुल से प्लांट्स जो कि बारिश के मौसम के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे, एंड यू कैन सी दिस कड़ी पत्ता जो कि हर विंटर में मेरा सूख जाता है, और अभी मैंने ये नया परचेज़ किया है प्लांट। तो बाकी अन्य मनी प्लांट्स तो मेरे घर ऑलरेडी होते हैं हमेशा ये हर सीज़न में, और ये मुरझाते भी नहीं हैं, बट कड़ी पत्ते में जैसे ही सनलाइट मिलना कम हो जाती है अपने आप ही मुरझा जाता है। तो ये समर्स में तो बहुत अच्छा रहता है लेकिन विंटर में अपने आप मुरझा जाता है गाइस। तो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल, और ये जो प्लांट्स हैं ना एलोवेरा के, मैंने इतने सारे एलोवेरा प्लांट्स लगा के रखे हैं बिकॉज यू नो कि कितने अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, इवन आपके हेयर्स और स्किन के लिए। तो मैं ये सारे एलोवेरा प्लांट्स लगा के रखी हूँ बिकॉज मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होता है। और गाइस अब हो गया था मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम, तो आज कबीर का सैटरडे था तो उसे मैक्रोनी खानी थी तो मैंने जल्दी से उसके लिए पास्ता बनाया एंड देन मैं खाने बैठ गई थी यहाँ पे बिकॉज टाइम हो गया था 12:30 का और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसकी शक्ल कैसी लग रही है, और यहाँ पे देखिए मेरा घर का सारा काम निपट चुका था तो काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी थोड़े से दर्शन करा देती हूँ, और यहाँ बैठ के मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। हाँ जी दोस्तों, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ टेक केयर।